नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल 7 रुपए तक हुआ सस्ता। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2% वैट कम किया है। केंद्र सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। इसके बाद राजस्थान में प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल 3 रुपए से लेकर 7 रुपए तक सस्ता हुआ है। पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा 7 रुपए प्रति लीटर श्रीगंगानगर में कम की गई है। शुक्रवार सुबह से प्रदेश भर में नई कीमतें लागू हो गईं। जयपुर में अब 1 लीटर पेट्रोल 104.86 रुपए और डीजल 90.37 रुपए में मिल रहा है। दरअसल गुरुवार रात सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की दूसरी बैठक में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का फैसला लिया गया है। 8 अप्रैल को होंगे आरसीए के चुनाव। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए में हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह को अब परमानेंट अध्यक्ष बनाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर 8 अप्रैल को आरसीए के जयपुर में चुनाव होंगे, जिसमें अध्यक्ष समेत कार्यकारिणी चुनी जाएगी। दरअसल 9 मार्च को जयपुर के केएल सैनी स्टेडियम में धनंजय सिंह को आरसीए का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। इस दौरान मीटिंग में वैभव गहलोत के इस्तीफे को स्वीकार किया गया था। साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले आरसीए की देखरेख में करने की मांग की गई थी। इसके बाद अब आरसीए के सेक्रेटरी भवानी सामोता ने 8 अप्रैल को चुनाव कराने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल, आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे से होगी। इसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 543 सीटों के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ऊंट पालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार ने ऊंटों के संरक्षण के लिए उष्ट्र संरक्षण योजना के तहत दूसरी किश्त की मंजूरी दी है। योजना के अंतर्गत ऊंट पालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत 1 साल पहले पशु चिकित्सक की ओर से द्वारा मादा ऊंट एवं उसके बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र देने के बाद ऊंट पालक को 5,000 रुपए दिए थे। द्वितीय किश्त ऊंट के बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय किश्त के रूप में 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके लिए ऊंट पालकों को 1 साल पूर्व में लगाए गए टैग को पुनः पशु चिकित्सक से प्रमाणित करवाकर टैग युक्त फोटो पशु चिकित्सक की ओर से पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जयपुर की लो फ्लोर बसें बंद हो सकती हैं। जयपुर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अहम जिम्मेदारी निभाने वाली लो फ्लोर बसें कभी भी बंद हो सकती है। इसकी मुख्य वजह है बसों के संचालन करने वाली कंपनी को 1 साल से भुगतान नहीं होना। ऐसे में कंपनी ड्राइवरों और इंजीनियर को भुगतान नहीं कर पा रही है। साथ ही बसों का मेंटेनेंस भी प्रभावित हो रहा है। कंपनी 20 करोड़ के बकाया भुगतान के लिए जेसीटीएसएल अधिकारियों को 5 बार से अधिक पत्र लिख चुकी है। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब 20 मार्च से पहले भुगतान नहीं करने पर कंपनी ने 21 मार्च से बसों का संचालन बंद करने का ऐलान किया है। इस बार नहीं होगी इंदिरा गांधी नहर बंदी। इंदिरा गांधी नहर में इस बार नहर बंदी नहीं होगी। इससे बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में पीने के पानी की समस्या नहीं होगी और किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी मिलता रहेगा। राज्य के जल मंत्री कन्हैया लाल ने शुक्रवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसा लोकसभा चुनाव के कारण नहीं बल्कि तेज गर्मी में आम आदमी की जल समस्या को देखते हुए किया गया है। जयपुर में 3 जगह ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। जयपुर के नाड़ी का फाटक, सीतावाली फाटक और बेनाड फाटक बंद होने से लगने वाले ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नाड़ी का फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज आरओबी बनेगा। सीतावाली फाटक और बेनाड फाटक के बीच रेलवे अंडर ब्रिज आरयूबी बनेगा। जयपुर में नाड़ी का फाटक पर 86.89 करोड़ की लागत से 4 लेन आरओबी को मंजूरी दी गई है। सीतावाली फाटक और बेनाड फाटक के बीच 14.37 करोड़ की लागत से आरयूबी मंजूर हुआ है। केंद्र सरकार से ये पैसा मिलेगा। आसाराम के इलाज की याचिका पर सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में आज आसाराम की ओर से दायर इलाज के लिए दी गई याचिका पर सुनवाई हुई। अर्ट ने कहा कि अस्पताल क्या इलाज करेगा, कितने दिन लगेंगे, यह जानकारी सुनवाई की अगली तारीख 20 मार्च को दें। राजस्थान में अब बढ़ेगी गर्मी। राजस्थान में अब दिन और रात का तापमान बढ़ने लगा है। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, अजमेर समेत कई शहरों में आज रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई। हालांकि दिन के तापमान अब भी कुछ शहरों में सामान्य से नीचे है। अगले 1-2 दिन में अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी।
कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा पर पीओसीएसओ का केस, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। पूर्व सीएम के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला 2 फरवरी को बेंगलुरु का है। लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर की गई है। होली पर सीएम भजनलाल का तोहफा, होली करीब है। लोकसभा चुनाव से पहले व होली के अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते की वजह से अब डीए 50% हो जाएगा। गर्मी शुरू होने से पहले गहराया पेयजल संकट, राजस्थान के 342 बांध सूखे। प्रदेश में मानसून की बेरुखी का असर इस बार गर्मी में देखने को मिलेगा। गर्मी शुरू होने से पहले ही प्रदेश के 342 बांध सूख गए हैं। 340 बांधों में भी आंशिक ही पानी बचा है। कोटा और बांसवाड़ा के अलावा प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर जल स्रोत मार्च आते आते सूखने लग गए हैं। बीएपी ने किया कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार, आदिवासी बहुल सीटों पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला। कांग्रेस के साथ बीएपी के गठबंधन की खबरों पर विराम लगाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने ऐसे किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया है। इस ऐलान के बाद अब प्रदेश में कई सीटों त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जैसलमेर रेलवे स्टेशन के पास मिले 2 स्मोक बम सेना ने कब्जे में लिया। जैसलमेर शहर में रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार दोपहर बाद बमनुमा वस्तु मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर शहर कोतवाली की टीम और भारतीय सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सेना के बम निरोधक दस्ते ने दोनों बम को कब्जे में लिया। हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग आज। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले भजनलाल सरकार ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करके जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। इस कड़ी में आज सरकार 9 शहरों में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रही है। इसके अलावा मानसरोवर में बने फाउंटेन स्क्वेयर पार्क, इंदिरा गांधी नगर में बनी मुख्य सड़क और आईएएस अधिकारियों के लिए बनी आवासीय योजनाओं के पहले फेज का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।